अब देख के अच्छा लग रहा है ना कि यहाँ पे सभी प्रसन्न है, तो ये हर्ष और उत्सव का वातावरण है, तो अब चिंता की तो कोई बात ही नहीं। आपने भी मुस्कुरा दिया, आप सब भी मुस्कुरा रहे हैं, तो अब तो यहाँ पे जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। काएगा? हाँ। इसका तात्पर्य है कि तुम ये दूध माखन हमें दे रहे हो। ओहो, तुमसे से यदि तुम सही समय पर नहीं आते तो ये उत्सव आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाता, इसलिए तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे अतिथि बनके इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। हम दोनों को सम्मिलित होने के लिए कहा, ये तो हमारे लिए आनंद की बात है। काएगा? ये लीजिए, उत्सव आरंभ करा। आप लोग आइए। हाँ, आगे भारी है। अरे त्रिवेणी जागृति, तुम दोनों यहाँ महल में सब कुछ सकुशल है ना? हाँ राजकुमारी, सभी सकुशल हैं। रत्नामाला अपने गांव गई हैं, इसलिए उन्होंने हमें भेजा है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों आ गए, किंतु श्रीनिवास कहीं दिखाई नहीं दे रहे। श्रीनिवास और गोविंद राज वो दोनों इस गांव के बाहर महादेव के मंदिर में गए हैं दर्शन के लिए। ये तो इस उत्सव की सर्वश्रेष्ठ विधि है। वाह 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 वाह। सर आए। चलो चलो। आप भी आई आई। वैसे आपका नाम क्या है? भार्गवी। श्रीनिवास की श्री, मेरी भार्गवी। आपके नाम को सुनकर ही पता चल जाता है कि आपका मन कितना पवित्र है। कौन है आप? मासा नाम वेंकटेश और ये है मेरी प्रिय पत्नी भार्या। नमस्कार। नमस्कार। अब हमारा काम क्या है? यहाँ वहाँ भ्रमण करना और व्यापार करना तेज हम ही कर। तो मुझे याद हुआ कि यहाँ पे जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, बस दूध और माखन की कमी है, तभी मैं आया दूध और माखन लेके। जन्माष्टमी का ये जो त्योहार है ना, इसका एक अत्यंत विशेष स्थान है मेरे मन में। काएगा? हो बरोबर बोलता है। जन्माष्टमी, अरे श्री कृष्ण तो मेरे आराध्य हैं, उनका और दिवस तो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मेरे पतिदेव को ही देख लीजिए, इन्हें भी माखन खाना अत्यंत प्रिय है, बिल्कुल श्री कृष्ण की भांति। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तो बस एक बहाना है, या आने का तो कारण कुछ और ही है। कैसा कारण? तुम्हारी मुस्कुराहट भार्गवी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी मुस्कुराहट के लिए आए हैं आप? ऐसा मैंने कब कहा? हाँ, यहाँ पे शोर कुछ अधिक ही है, तो आपको ऐसा सुनाई दिया होगा। मैंने भार्गवी नहीं, मैंने तो भार्या कहा, उसके मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, होगा ना? आओ, तुम्हें भारी काई। खूबस गुड़ हंसते हैं माजी भार्या, और इसके मुख पे तो मुस्कान तभी आते हैं जब सब प्रसन्न हो ना गा? हो बरोबर बोलता है, सबका प्रसन्न होना अत्यंत अनिवार्य है।
जन्माष्टमी में जब तक दही हांडी ना फोड़ी जाए तब तक उत्सव पूर्ण नहीं माना जाता। आज हम सब इस त्योहार में सबसे ऊंची मटकी फोड़ेंगे। जन्माष्टमी का त्योहार आज ऐसा मनाया जाएगा कि सब लोग वर्षों तक स्मरण रखेंगे। बोला आला रे आला, गोविंद आला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो देखो आया गोविंदा। राजकुमार, आपने जैसे चाहा उसी प्रकार से पूरा उत्सव आयोजित तो किया गया, किंतु एक प्रश्न यह है, इस मटकी को फोड़ेगा कौन? मुझे क्या लगता है ना, ये मटकी मैं ही फोड़ू। अकबर, आप? जन्माष्टमी की मटकी आपके आराध्य के होते हुए कोई और तोड़ेगा? मटकी कौन फोड़ेगा और कौन नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तो समय ही देगा गौरी। अभी इस समय तो केवल मटकी फोड़ने के प्रयत्न की बात हो रही है, देखते हैं कि पहला प्रयत्न कौन करता है। मेरे अलावा ये मटकी कोई फोड़ भी तो नहीं सकता है ना? कहा है आत्मविश्वास है। बरोबर बरोबर। क्यों, तुम्हें क्या लगता है भार्गवी? इसमें मैं क्या बताऊं कुमार? तुम कहो तो मैं जाता हूँ मटकी फोड़ने। अगर तुम्हें भय है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं और कहीं मुझे चोट ना लग जाए, नहीं यदि ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो भार्गवी, मैं नहीं जाऊंगा मटकी फोड़ने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यदि आपकी इच्छा है तो आप अवश्य जाइए मटकी फोड़ने। बस तुमने कह दिया ना, ये मटकी मैं ही फोड़ूंगा। मला काय वाटते माहिती आहे, आपने जान के वासु को जाने दिया ताकि वो ऊपर चढ़ते चढ़ते गिर जाए। बरोबर है ना? कि क्या कह रहे हैं आप? राजकुमार के बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर, पता नहीं यदि वो ना होते तो मैं करवीरपुर पे रह भी नहीं पाती। ऐसे क्या उपकार किए उन्होंने आप पर? जिसके लिए मैं अपना घर परिवार राज्य सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई, वो तो मेरे लिए यहाँ आया भी नहीं। विश्वासघात किया है उसने मेरे साथ, किंतु उस समय कुमार वासु ने मेरी सहायता की, यदि वो ना होते तो मैं उस विश्वासघात से उभर ही नहीं पाती। तुम्हारा श्रीनिवास कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता भार्गवी, बस यही तो समझाने में आया हूँ।